एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो टाइटल से देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये वीडियो किस टॉपिक के ऊपर है। सो यस, वी आर लुकिंग फॉर होम। सो अभी हम परचेस के लिए नहीं देख रहे हैं, वी आर लुकिंग फॉर होम रेंट। ऑब्वियसली रेंट पे, रेंट अकोमोडेशन हम लोग देख रहे हैं। आई एम गोइंग टू शेयर दिस जर्नी विथ यू ऑल। एंड आप जब तक ये वीडियो देखेंगे, या तो हमने घर फाइनल कर दिया होगा या हमारा पूरा जो प्लान है वो कैंसिल हो चुका होगा। दो चीज़ें हैं। तो बहुत हमने आज हम गए हैं घर देखने के लिए और नेक्स्ट हम कल जाने वाले हैं। इनमें ही हम फाइनल कर देंगे, बिकॉज आज हमने जो घर देखे हैं उनमें हमको हमारे दो चॉइसेस हैं ऑलरेडी। और कल जहां हम जाने वाले हैं वहां पर भी आप ये मान के चलो कि मैंने फ़ोटोज़ वगैरह देख लिए हैं ऑलमोस्ट। तो कल हम लाइव देखने जाएंगे तो उसमें से भी एक घर मेरा सिलेक्शन में है। सो लेट्स सी। बट हाँ, जो भी होगा वो डिसीजन आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक हो चुका होगा। आई एम शेयरिंग दिस वीडियो थोड़ा सा लेट। अब अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है उस पॉइंट पे तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर मैं टाइम स्पैम डाल दूंगी। एंड अगर आपको पूरी स्टोरी सुनना है कि क्यों हम मूव कर रहे हैं तो आप देखते रहिए। सो एक्चुअली जब मैं शादी होकर के आई थी यहाँ पर, विक्की को 5 ईयर्स हो चुके हैं और मेरे को 4 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 4 से ज़्यादा हो गए हैं, 4 ईयर्स 1 मंथ हो चुका है। सो बेसिकली हम लोगों ने ये सोचा था कि हम जब भी इस घर से जाएंगे हम हमारे खुद के घर में ही जाएंगे। और वो प्लानिंग हमने लास्ट ईयर स्टार्ट कर भी दिया था। जनवरी में हम देखने लग गए थे, मतलब हमने पीछे हमारे लोधा वगैरह की जो नई बिल्डिंग्स बनी थी स्प्लेंडोरा में, वहाँ हमने देखा। और भी हमने 2-3 काफ़ी सारे बिल्डर्स के भी, रुनवाल वगैरह, बहुत सारी जगहों पे हमने बिल्डर्स के घर देखना स्टार्ट कर भी दिए थे। हमने हमारे घर में, इवन हम जिस घर में रह रहे हैं यहाँ पर, हमको एक 2 BHK पसंद आ भी गया था। बहुत सारी चीज़ें, मतलब हम ऑल बहुत फुल फ्लेजेडली घर देख रहे थे। देन फिर हमारे जो घर वाले हैं दोनों के, उनने हमको थोड़ा रियलिटी चेक दिया, बिकॉज हम लोग बहुत एक लमसम अमाउंट का लोन उठाने वाले थे। थोड़ा बहुत हम डाउन पेमेंट करते बट बाकी सारा हम लोन उठाते। तो दोनों के ही पेरेंट्स ने हमको काफ़ी अच्छे से समझाई सारी चीज़ें, थोड़ा रियलिटी चेक दिया। एंड देन फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, पहले हम थोड़ा रुकते हैं, 4-5 साल हम सेविंग करते हैं थोड़ी तगड़ी, ताकि हमारा जो लोन का रेशो है वो कम हो जाए। मतलब 60-40 चलता है, 60% आप डाउन पेमेंट कर दो और 40% आप लोन ले लो, वो चलता है। बट 20-80 आप मान के चलिए कि हमारा रेशो था, मतलब 20% डाउन पेमेंट एंड 80% हम लोन ले रहे थे, जो कि हमको सबने जिन से हमने फिर बातें करी और कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, फिर हम थोड़ा हमने स्टॉप रुक गए। एंड देन फिर इस साल ये कोविड सिचुएशन आ गया तो वी वर लाइक कि बहुत अच्छा गया कि हम रुक गए थे। सो यस, वी वर इन टू सेविंग्स। हमारा जब मेरी शादी होकर के आई भी थी तब भी विक्की बहुत फोर्स कर रहा था कि लेट्स मूव इन टू 2 BHK, लेट्स मूव इन टू 2 BHK। तब मेरा ये पॉइंट था कि यार दिस इज इनफ फॉर मी, और मुझसे इतना काम वाम बनता नहीं है, मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी। और क्योंकि आई लाइक क्लीन होम, और फिर मेरे को बिल्कुल घिसती रहती हूँ मैं, ये वो, तो ये सब चीज़ें चली। तो आई वॉज हैप्पी, जितना भी था अभी भी आई एम स्टिल हैप्पी। तो नाउ बिकॉज ऑफ आफ्टर कोविड, अभी ऐसा लगता है अभी कोविड के बाद जब हम 4 महीने इस घर में बिल्कुल पैक्ड थे और नीचे नहीं निकलते थे और सब था, तब थोड़ा हमको रियलाइज हुआ कि थोड़ा बड़ा घर होना चाहिए, ताकि आप फ्रीली। हम भोपाल भी गए थे ना तो हम लोग यही डिस्कस करते कि अब मुंबई में इस घर में रहने में बहुत डिफिकल्टी होगी। वो सब हमारे बहुत सारे और भी पर्सनल पॉइंट्स थे। एंड इस साल दिसंबर में हमारी जो वो जो होती है लीज होती है वो भी ख़त्म होने वाली है, तो हमने सोचा कि लेट्स प्लान टू मूव आउट। अगर हमको हमारे टाइप का घर मिल गया, बिकॉज अभी भी हम काफ़ी अच्छी सोसाइटी में रहते हैं, सारी एमिनिटीज़ हैं यहाँ पर, पूल है, जिम एरिया है, प्लेग्राउंड्स है, सोसाइटी में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। सो यस, आज हम जाने वाले हैं। सो मेरी एक सब्सक्राइबर है, शी लिव्स इन थाने ओनली, एंड वो रहती है इधर हीरानंदानी स्टेट में। तो जहाँ पर मैं रह रही हूँ ना, उससे लेफ्ट हैंड साइड में मुंबई स्टार्ट होता है, मतलब पवई का एरिया पास पड़ता है, और राइट हैंड साइड मतलब आप और आगे 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 थाना ख़त्म होता जाता है। तो जब आप इधर आगे आगे जाते हो थाना ख़त्म होने वाला रहता है, तो उधर पे गया है मेन स्टेशन से ये वाले एरिया में आपको थोड़े सस्ते घर मिल जाते हैं, बट आप जब लेफ्ट में जाते जाओगे तो आपको थोड़े महंगे घर मिलते हैं। क्योंकि विक्की का ऑफिस पवई में है, सो थाना छोड़ना नहीं चाहते हैं हम, तो हम लोग चाहते हैं कि हम थोड़ा इधर इधर जाएं। तो क्योंकि ये सोसाइटी जिसको अभी हमको पता चला है वो इधर तरफ है, आगे तरफ है, जहां हम रह रहे हैं उससे 3.9 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, 3.9 to 4 किलोमीटर्स आप मान लीजिए, मतलब और हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो विक्की बोलता है चलो लेट्स गो, देख करके आते हैं उस एरिया के सारे घर। तो हम देख के आए हैं, उनमें से एक घर तो विक्की को बहुत ही ज्यादा पसंद आया। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ निशा, जो मेरी सब्सक्राइबर है, कम फ्रेंड भी है, उससे मेरी बातें होती रहती हैं, तो शी सजेस्टेड मी। और उसमें से एक दो घर हमने थोड़ा दिमाग में रख के चलाएं कि हाँ लेट्स सी। तो यस, आप देखिए और आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से कौन सा घर है जो हम लोगों को पसंद आया होगा। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से ये जर्नी। अगर हम शिफ्ट होते हैं तो पूरी मूव इन एंड कैसे कैसे मैं डेकोरेट करूंगी सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो यस, आई एम सो एक्साइटेड फॉर दिस। सो या, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो।
ये हमारा डे वन है और हमने कौन कौन से फ्लैट्स देखे वो सब मैंने रिकॉर्ड किए हैं, तो वो मैं आपको स्टार्ट करती हूँ बताना। ये हम एंटर हुए थे फर्स्ट सोसाइटी में, तो ये सब एक ही बिल्डर की लोकेलिटी थी जिसमें हम ये एंटर हुए हैं। काफ़ी बहुत ही बड़ी सोसाइटी थी, तो ये है फर्स्ट होम। इस होम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ ज़्यादा ही फर्निश्ड था ये, एंड ये बैल्कनी एरिया है इसका, आई थिंक फोर्थ या फिफ्थ फ्लोर पे था ये वाला, आई एम नॉट श्योर, शायद सिक्स सेवन पे होगा। हाँ, तो ये किचन है इसका, काफ़ी अच्छा किचन था, फुल्ली मॉड्यूलर किचन था एंड सब कुछ अच्छा था। किचन के आगे वॉश एरिया भी था यहाँ पर, जो कि प्रॉपरली कवर्ड था, मतलब यहाँ से कुछ भी बर्ड्स वगैरह अंदर नहीं आएंगे, चूहे अंदर नहीं आएंगे। उसके बाद सेकेंड प्रॉब्लम ये था कि ये 1.5 BHK था, तो इसका जो सेकेंड रूम था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, एंड एज यू कैन सी कि इनके पास काफ़ी कुछ सामान है, ड्रेसिंग टेबल ये सब मुझे तो चाहिए ही नहीं, हम लोगों को चाहिए ही नहीं था ये सब, तो ये हम लोगों ने रिजेक्ट कर दिया। फिर हम सेकेंड घर में गए, वो भी ठीक था, बट एक तो पूरा येलो कलर था और हमने जब पूछा कि ये लोग हमको पेंट करवा के देंगे क्या, तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि वो पेंट नहीं करवाएंगे। और इस किचन के भी काफ़ी सारे जो स्लैब्स थे वो भी बहुत, जो मॉड्यूलर वाले जो स्लैब होते हैं ना, कैबिनेट्स जो थे वो काफ़ी सारे ख़राब थे। इसमें भी ड्राई एरिया अच्छा खासा दिया हुआ था बड़ा सा, एंड बेडरूम वगैरह का साइज़ वगैरह भी ठीक था, बट अगैन ये भी 1.5 BHK था, जो 0.5 वाले रूम्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, मतलब उसका कारपेट एरिया बहुत छोटा था, स्पेशियस नहीं था बिल्कुल भी, तो फिर ये रिजेक्ट किया। ये है थर्ड रूम, ये भी हम लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था, इसमें बहुत नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, मतलब एक होता है ना घर देखते से लगना चाहिए कि येस दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट, तो वो वाला फीलिंग इसमें भी नहीं आ रहा था, तो हम लोगों ने इसको भी रिजेक्ट किया। एंड किचन वगैरह का काम हो रहा था, मतलब ये प्रॉपर हमको मॉड्यूलर बना के देंगे, बट फिर भी इतना पसंद नहीं आया, मतलब ये हमने एकदम ऐसा मज़ा नहीं आया था देखने के बाद। फिर ये हम गए हैं फोर्थ फ्लैट देखने के लिए। नाउ यहाँ पर लोकेलिटी, ये जो बिल्डिंग वाला एरिया था ये हमको थोड़ा पसंद आया था, बट अगैन ये जो फ्लैट था इसमें इतना सारा सामान था और ऑब्वियसली हमको इतना सामान चाहिए ही नहीं था, तो फिर हम लोगों ने इसको भी इतना हमको मज़ा नहीं आया ये वाला घर देखने में भी। फिर हम गए नेक्स्ट बिल्डिंग में और नेक्स्ट फ्लैट देखने के लिए। ये फ्लैट थोड़ा ऐसा था जो देख करके एकदम मन खुश हो जाता है ना, देखते से ही निकलता है हाँ ये अच्छा, पॉजिटिव वाइब्स आ रही थी एंड बहुत अच्छा लग रहा था हमको ये, एंड विक्की को भी ये बहुत पसंद आया था। एक तो ये टॉप फ्लोर पे था, 20th फ्लोर पे है ये, हम लोग कभी भी हाई राइज पे नहीं रहे, तो हम लोग इसको एक कंसिडर कर रहे थे, मतलब ये हमारा शॉर्टलिस्टेड फ्लैट में से सबसे फर्स्ट फ्लैट था जो हमने ये शॉर्टलिस्ट किया था, और साथ में दो और फ्लैट हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं, तो एक तो इसी वीडियो में आपको दिख जाएगा और एक मैं कल आपको बताऊंगी जो हमने शॉर्टलिस्ट किया था। तो किचन के सामने भी बैल्कनी थी, बैल्कनी मतलब छोटा सा एक एरिया था जहाँ पर आप आराम से वॉशिंग मशीन रख सकते हो, इतना बड़ा एरिया है। तो यहाँ पर बेस्ट पार्ट ये था कि किचन में भी बैल्कनी होती है, मिनी बैल्कनी थी, जो ये वाला रूम है इसमें भी एक मिनी बैल्कनी है, साथ में वार्डरोब दी गई है, स्लाइडिंग वार्डरोब विथ फुल साइज मिरर, एंड ये एक रूम है, बेडरूम है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था ये वाला घर। एंड उसके बाद जो हम एक और बड़ा मास्टर बेडरूम है उसमें वॉशरूम अटैच्ड है, एंड साथ ही साथ वहाँ पर भी वार्डरोब दी हुई थी। इनके वॉशरूम्स की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी, जो मेरे लिए प्लस पॉइंट था, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा था। एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा वास्तु डायरेक्शंस को मानते हैं, मतलब मैं तो मानती हूँ, तो हम लोग ये भी देख रहे थे कि कहाँ से एंट्री गेट है, किस डायरेक्शन में ये घर आ रहा है, तो उस वो हमारा बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है। तो ये घर उसके अकॉर्डिंग भी चेकलिस्ट में टॉप पे आ रहा था, मतलब ये एकदम परफेक्ट था जिस डायरेक्शन में हमको चाहिए था घर। एंड उसके बाद आते हैं नेक्स्ट घर में, तो ये तो मतलब काफ़ी पुराना पैटर्न का घर बना हुआ है, नीचे मार्बल फ्लोरिंग है, तो मुझे फ्लोरिंग देख करके बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। इस फ्लोरिंग की हमको उन्होंने एक स्पेशलिटी ये बताई थी कि इसमें अगर आप मॉपिंग करते हैं, मतलब पोछा लगाते हैं, तो ये जो फ्लोरिंग है ये 7 to 8 आज तक एकदम ठंडा रहेगा, मतलब इतना टॉप क्लास, पता नहीं कहाँ का, इटली का वो बता रहे थे कि वहाँ का मार्बल यूज़ किया गया है, बट वो जहाँ का भी हो मुझे देखने में इतना पसंद नहीं आ रहा था। एंड ये पुरानी बिल्डिंग है, आई थिंक 8-9 ईयर्स पुरानी बिल्डिंग है, और ये फ्लैट भी ऑब्वियसली पुराना है। उसके बाद ये नेक्स्ट फ्लैट है, जो कि इसका कारपेट एरिया बहुत बड़ा था, सारे रूम्स में एसी लगा हुआ था, किचन फुल्ली मॉड्यूलर था विथ चिमनी था, एंड वार्डरोब्स भी थे, बट सब कुछ ना बहुत पुराना था, मतलब बहुत ही ज़्यादा पुराना था, नया नहीं लग रहा था, फिनिशिंग वाइज अच्छा नहीं था। उसके बाद इसकी डायरेक्शन सही नहीं थी, अंदर धूप नहीं आती, और थोड़े से प्रॉब्लम्स लग रहे थे हमको, तो मतलब ऐसा नहीं था कि हमको, अगर जैसे अगर हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते तो हम इसको डेफिनेटली कंसिडर करते, बट इससे अच्छे ऑप्शंस हमारे पास थे, तो इसलिए हमने इसको इतना भाव नहीं दिया, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो। तो यस, एंड ये वाला नेक्स्ट फ्लैट था, बट यस कारपेट एरिया इसका बहुत सही था, एंड रेंट वाइज भी काफ़ी ठीक था, मतलब अच्छा खासा रेंट था इसका।
अब उसके बाद हम जाने वाले हैं एक मतलब उसी लोकेलिटी के दूसरे बिल्डिंग में जा रहे हैं एंड वहाँ पर जाकर के देखते हैं। आई थिंक हम लोगों ने 6-7 फ्लैट्स देख लिए थे आराम से एंड विक्की बोलता है इनफ, ये बहुत हो गया है, उसको इतने में ही थकान हो गई थी। तो ये जब हम इस बिल्डिंग में एंटर हुए, बहुत ही सही और अच्छा, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन थी इस बिल्डिंग की एंड नई बिल्डिंग बनी है ये और काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। इसके फ्लैट्स भी मुझे बहुत पसंद आए। मुझे क्या, इसके फ्लैट्स ऐसे थे जो विक्की ने देखते से एकदम ऐसे वाव नहीं निकल जाता है वो था। तो हम ये वाला फ्लैट भी हमने शॉर्टलिस्ट करा बट इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था, सब कुछ इसका परफेक्ट था। इसका किचन परफेक्ट था, इसके वॉशरूम्स परफेक्ट थे, इसका कारपेट एरिया परफेक्ट था। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि जो विंडो वाला एरिया है ना, उसके बाहर बिल्कुल भी पोर्च नहीं है, इवन प्लांट रखने तक के लिए भी जगह नहीं है। मतलब इस घर में अगर हम आते हैं तो आप ये सोच लो कि आप प्लांट्स भूल जाओ, तो वो तो हो ही नहीं सकता है, वो मैं कर ही नहीं सकती हूँ। और किचन इसका बहुत बहुत सही किचन था, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था इसका किचन। अब तक के मैंने जितने भी फ्लैट्स देखे थे उनमें से इसका दी बेस्ट था। और इसका रूम भी काफ़ी अच्छा था, फ्लोरिंग वगैरह बहुत सही थी। तो आप देख सकते हो जैसे बैल्कनी तो है ही नहीं इनमें, लेकिन जो विंडो वाला एरिया है ना, उसके बाहर भी बिल्कुल प्लांट रखने के लिए छोटी सी भी जगह नहीं थी। तो वो तो एक बहुत ही बड़ा नेगेटिव पॉइंट था हम लोगों के लिए। और आप अलाउड भी नहीं हो बाहर प्लांट्स लगाने का, इस बिल्डिंग में परमिशन नहीं होती है क्योंकि बहुत हाई हाई राइज पे बिल्डिंग्स होती है ना, तो उन्हें पता नहीं अब क्या उनका रूल होगा, आई डोंट नो। सो ये था नेक्स्ट होम। अगर इसमें प्लांट वाला एरिया होता तो डेफिनेटली ये हमारा शॉर्टलिस्टेड फाइनल होम होता। ये लास्ट व्यू था एंड ये लास्ट घर था जो हमने उस दिन देखा था। अब जो बाकी के फ्लैट्स हैं वो हम कल देखेंगे और कल हम दूसरे एजेंट के थ्रू देखेंगे। सो यस, कल वो मैं कल के वीडियो में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। तो हम लोग आ गए हैं एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो घर हमको बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, बट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्या बेनिफिट्स हैं और क्या प्रॉब्लम हमको फेस हो रही है उसमें। तो प्रॉब्लम तो अभी तक ऐसी कुछ फेस नहीं हो रही है, अभी तो हम बात करेंगे जो एजेंट के थ्रू हम गए हैं। सो येस, एंड बस यही था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। एंड या मैं मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।